सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अलीजेज किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं रेस्टोरेंट स्टाइल में मटन मसाला की रेसिपी। ये बहुत ही टेस्टी बनती है, तो चलो स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। मटन मसाला की रेसिपी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है ये कढ़ाई। इसमें मैंने डाला है 3 बड़े चम्मच ऑयल। अब हम इसमें डालेंगे खड़े मसाले, 1/2 टीस्पून जीरा, 8 से 10 काली मिर्च, 1 दालचीनी, 3 लौंग, 2 तेज पत्ते, 1 स्टार एनिस, 3 हरी इलायची जिसके मैंने मुंह खोल लिए हैं और 1 बड़ी इलायची। इसे हम हल्का सा सॉटे कर लेंगे। खड़े मसाले हमारे अच्छे से भुना गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे 3 बड़ी साइज की प्याज जिसे मैंने बिल्कुल बारीक काट ली है। इसे हम मीडियम फ्लेम पर चलाते हुए गोल्डन ब्राउन कलर आने तक भून लेंगे। प्याज हमारी गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। इसमें मैं डालूंगी 1 टेबलस्पून भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट और इसे हम इसकी कच्ची स्मेल जाने तक अच्छे से भून लेंगे। अदरक लहसुन के पेस्ट को मैंने अच्छे से भून लिया है। अब हम इसमें डालेंगे मटन। मटन मैंने यहाँ पे 1/2 किलो लिया है। इसे मैंने धो के अच्छे से साफ कर लिया है। मैंने यहाँ पे बोनलेस मटन यूज किया है। आप चाहे तो विथ बोन मटन भी यूज कर सकते हैं। अब हम इसे हाई फ्लेम पर 10 से 12 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। मटन को मैंने हाई फ्लेम पर अच्छे से भून लिया है। आप देख सकते हैं मटन का कलर भी चेंज हो चुका है। मटन की रेसिपी बनाते वक्त आप हमेशा ज़्यादा क्वांटिटी में तेल का यूज करें। इससे जो आपकी ग्रेवी है वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। अब हम इसमें डालेंगे मसाले, 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें मैं डालूंगी स्वाद अनुसार नमक और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे हम चलाते हुए मीडियम फ्लेम पर मसालों के साथ मटन को भून लेंगे जब तक इसमें से ऑयल रिलीज ना हो जाए। मसाले हमारे अच्छे से भुना गए हैं। आप देख सकते हैं इसमें से ऑयल अच्छे से रिलीज हो चुका है। अब हम गैस का फ्लेम कर देंगे बिल्कुल लो पे और इसमें मैं डालूंगी 4 टेबलस्पून दही, 3/4 कप पानी और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसे हम मीडियम टू लो फ्लेम के बीच में ढककर मटन टेंडर होने तक पका लेंगे। आप चाहें तो इसे कुकर में भी बना सकते हैं। हाई फ्लेम पर 1 सीटी आने तक और लो फ्लेम पे 10 से 15 मिनट के लिए कुक कर सकते हैं। अब हम इसे 1/2 घंटे के लिए इसी तरह से छोड़ देंगे। 30 से 40 मिनट्स हो चुके हैं। अब हम इसका लिड ओपन कर लेंगे। मटन हमारा अच्छे से टेंडर हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे 3 मीडियम साइज के टमाटर जिसका मैंने प्योरी बना लिया है और 1/2 टीस्पून मीट मसाला और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे हम मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे। टमाटर और मसाले को मैंने अच्छे से 8 से 10 मिनट के लिए पका लिया है। अब हम इसमें डालेंगे हरा धनिया
और दो हरी मिर्च जिसे मैंने मोटा मोटा काट लिया है, इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे हम 2 से 3 मिनट के लिए और पका लेंगे मीडियम फ्लेम पर। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, मटन मसाला रेसिपी बनकर हमारी तैयार है। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। ये बहुत ही टेस्टी बनी है, आप इसे घर पे ज़रूर ट्राई करें। अब हम इसे सर्व कर लेंगे।